মঙ্গলবার খিদিরপুর কয়লাডিপো এলাকায় বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব আজকার হোসেনের উদ্যোগে ও সরোজ মহিলা সংগঠনের প্রচেষ্টায় মাথাকে জাগরণ নামে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী জনাব ফিরাদ হাকিম। এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফনিক্স গ্রুপের কর্ণধার জনাব গুলাম আশরাফ, পৌরসভার স্থানীয় কোঅর্ডিনেটর রাম প্যারেরাম, 79 নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আলম, 79 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অখিলেশ সিং ও সরোজ মহিলা সংগঠনের সদস্য প্রিয়াঙ্কা বার্মা। বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব আজকার হোসেনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কিছু ভিন্ন ধরার কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয়, যা এদিনের অনুষ্ঠানকে আরও বেশি আকর্ষণ করে তোলে। ইতনা মজবুত হোনে যা রাহা হ্যায় ইস প্রোগ্রাম কো দরদ সে কি হাম চাহেঙ্গে মহিলা সমিতি এক ঔরত ইতনা পাওয়ারফুল হো সকতি হ্যায় জো আপ হিন্দুস্তান হ্যায় ক্যোঁকি আর মে जेंट्स भी सुन ले, बहुत जेंट्स को भी बोलना चाहेंगे कि लेडीज का सम्मान कीजिए, क्योंकि आप लोग भी लेडीज। और अजगर भैया के बारे में क्या बोले, उनका वजह से हमारे लॉकडाउन में हम लोग जितना भी मतलब जो भी हम लोग किए हैं इनके वजह से ही किए हैं और इनके बदौलत ही किए हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सबसे पहले, और जितनी भी महिला मंडल है उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखो आज महिलाओं में कितना दम है, ये मजबूत करें कि आने वाला कल यहाँ पे जो भी आए और संगठन के साथ मिलकर रहे और कोयला डिपो की उन्नति के लिए लड़े। अगर कोई हक इस जागरण का कोई हकदार है तो ये महिला समिति के कुछ मेम्बरान हैं जिन्होंने ये जागरण को बहुत उत्साह के साथ किया
और हमारे बॉबी हकीम साहब भी आए हुए थे, जिन्होंने इस कोयला डिपो को बोला कि आज जो भी है आज संगठन के बदौलत हम लोग हैं, आज हम लोग का संगठन सही रहेगा तो हम लोग को यहाँ से कोई भी नहीं हटा सकता, क्योंकि संगठन के माध्यम से ही इंसान आगे बढ़ता है। और मैं इन लोगों को चाहूँगा कि संगठन आप लोग बनाएं और ऐसा बनाएं कि आने वाला कल इलेक्शन में कोई भी इंसान आपको भरगलाने की कोशिश करे, उस इलेक्शन में देखें कौन हमारे साथ है, कौन हमारा विकास कर रहा, कौन हमको मुसीबत में साथ दे रहा। क्योंकि ये लॉकडाउन के समय में जब कोयला डिपो में महामारी चल रहा था तो हमारे बाबे हकीम साहब ने यहाँ के मेम्बरान को जो भी अपने हाथों से नहीं, हम लोग के हाथों से खाना पानी जो भी यहाँ के मजदूर, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हम लोग एक प्रोग्राम कराएंगे और प्रोग्राम को जागरण के रूप में, मगर मैं बोला अचानक तुम लोग कुछ जानती नहीं हो, मैं फिर भी मैं इनका हाथ बढ़ाने के लिए बहुत अपनी तरह से कोशिश किया और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ये प्रोग्राम ये आवाम के लिए और आवाम सब के लिए है, इसलिए महिला समिति को मैं कहता हूँ, महिला समिति के सब मेम्बरान से कहूँगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल कराने में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। जागरण कितना साल से यहाँ, ये जागरण मैंने पहला बार इन लोगों के बदौलत किया, क्योंकि जागरण यहाँ पर ही बैकवर्ड इलाका है, यहाँ सब अपना खाने पकाने में रहता है क्योंकि यहाँ का कोई उन्नति नहीं है। मगर बॉबी हकीम आने के बाद बहुत कुछ का लाइट रास्ता ये रहना सहना, क्योंकि ये सेंटर का ज़मीन है और सेंटर का ज़मीन में कोई भी इंसान अपने आप में रहने में मजबूर रहता है, क्योंकि सेंटर कब हटा था, मगर जब से ममता दीदी आई हैं यहाँ पर तब से यहाँ पर आदमी अपना मजबूती अपना साहस पा के कुछ करने सोच रहा, क्योंकि ये करना उनके लिए बहुत बोविदा बहुत हिम्मत दी है सबको कि तुम लोग कुछ भी ना हो, हम हैं तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारा साथ हमारे साथ है। असगर भाई, माता का जागरण का आज का स्टेज मंच पे इस लेडीज ने और भी मजबूती होगा, क्योंकि अभी देखा बहुत सा महिला इसमें पार्टिसिपेट किया, अंशग्रहण किया, इसलिए योगदान किया, इसके लिए क्या बोला? इसलिए कि महिला समिति आज इतने बड़ी मजबूती के साथ इनके इसका हौसला देख कर कुछ महिला ने इन्हें और उन्नति करने और साहस करके अपने ज्वाइन की। जागरण के लिए बहुत फर्स्ट टाइम हम लोग का ऐसा जागरण हुआ है, भैया अजगर भैया के बदौलत, गुलाम भाई अजगर भैया और जो हमारे बॉबीदा हैं उनके वजह से हम लोग का प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। और हम जनता से यही बोलना चाहते हैं कि बॉबीदा के पास कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ से जो तकलीफ है उनके पास नहीं जा रहा है, तो हम लोग उनके पास जा कर के अपना तकलीफ रखेंगे। आप लोग से यही निवेदन है कि आप अपना वोट कहीं यहाँ वहाँ किसी के बरगलाने पे नहीं जाइए, क्योंकि हमारे बॉबीदा के वजह से यहाँ बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ कभी लाइट नहीं था, पानी नहीं था, बाथरूम नहीं था और ये सब बॉबीदा के वजह से ही हुआ है, यही उनको हम धन्यवाद। जागरण जो है पहला साल हो रहा है, ये हमेशा चलाते रहेगा, आज ये लास्ट रहेगा? अब देखिए, अगर सबका सहयोग रहेगा तो चलते रहेगा। माता का दिन है, माता रानी के साथ समक्ष मतलब रखे हुए हैं हम लोग, अगर इनका आशीर्वाद रहा तो जरूर हमने सहयोग। महिला संगठन में कितना महिला योगदान किया आज? जी हम लोगों का महिला संगठन, हम लोग का 200 लेडीज है और अभी कुछ नई लेडीज जुड़ी हैं, हम लोगों का संगठन जुड़ने के बाद 30 लेडीज हम लोगों के साथ और जुड़ी हैं, तो इसके लिए हम 300 लेडीज को धन्यवाद देना चाहेंगे जिनको हम लोग अभी अभी सम्मानित किए हैं कि हम लोग का संगठन को मजबूत करना है। हम लोग कोई महिला समिति नहीं है कि हम लोग मतलब प्रूफ नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग महिला समिति है, हम लोग संगठन है अपना संगठन। नाम बोल के थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियंका वर्मा है और ब्रैकेट में गुड़िया बोल के हमको सब कोई जानते हैं। हम सबको यही धन्यवाद करना चाहेंगे और मेरा पूजा को सक्सेस करने के लिए थैंक यू। कैमरा सादम हुसैन के साथ शौकत अली, रिपोर्ट 24 आवर्स टीवी, कोलकाता।